व्हाट्सअप गाइस, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। मेरा नाम है मनीष और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल द परफ्यूम लैब पे। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, आज का जो वीडियो होने वाला है वो एक अलग वीडियो होने वाला है। मैं मैक्सिमम जो है मैन परफ्यूम के ऊपर या मैन डियोज के ऊपर, मैन मैनली फ्रेग्रेंस के ऊपर रिव्यू करता हूँ, लेकिन आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल है। काफ़ी डिमांडिंग वीडियो था ये, कि काफ़ी फीमेल मुझे बोलती थी कि भाई आप फीमेल फ्रेग्रेंस पे या फीमेल परफ्यूम पे रिव्यू नहीं करते हो, तो उनके जवाब के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो रिव्यू है ये फीमेल फ्रेग्रेंस के ऊपर रिव्यू है, वेनेसा का, एनवी वेनेसा का जो एक परफ्यूम है एम्प्रेस, उसके बारे में आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे कंटेंट को अगर आपको पसंद आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज़, जो बॉटल है डीओ की वो इस तरीके से दिखती है। पीच कलर का ये है, रेड मैट कलर की बॉटल है, इस पे गोल्डन कलर से वेनेसा लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और ये गैस परफ्यूम है, सॉरी गैस डीओ है, लिक्विड नहीं है, ठीक है। ये इस तरीके से, ये इसका ढक्कन मैट फिनिश का ही है, ये बॉटल, ठीक है। इसके एमआरपी के बारे में, इसकी जो लॉन्जिबिलिटी है, इसकी फ्रेग्रेंस है, नोट्स है, सब एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा, और अब तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो, ठीक है। तो बात करता हूँ इसकी एमआरपी की। तो ये 150 ml 100 ग्राम है, और इसकी जो एमआरपी है वो है 200 rupees, आप देख सकते हो, ये 200 rupees इसकी एमआरपी है। लेकिन मैंने इसको अमेज़ॉन पे ख़रीदा था ऑनलाइन, तो ये मुझे कुछ 150 के अराउंड आ गया था। अगेन प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ऑनलाइन का जो प्राइस है वो फिक्स नहीं होता, कभी कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आपको ये परचेज़ करना है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आता है और इसकी फ्रेग्रेंस पसंद आती है, आपको ट्राई करना है, तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करके इसको परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी फ्रेग्रेंस की। इसको चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो फीमेल फ्रेग्रेंस होती है, मैक्सिमम जो उनका बेस होता है वो नॉर्मल फ्लोरल या फ्रूटी फ्रेग्रेंस ही होता है, ठीक है। मीठी मीठी से आपको खुशबू आती है, हल्की हल्की सी। मैस्कुलिन जो वुडी नोट्स होते हैं या मस्की नोट होते हैं, बहुत कम होते हैं, रेयर होते हैं। मैक्सिमम जो है वो फ्रूट और फ्लोरल का ही यूज़ होता है, ठीक है। तो देखते हैं इस फ्रेग्रेंस के अंदर क्या है और जो नोट्स है वो किस तरीके से हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। जो स्टार्टिंग में खुशबू मुझे आई थी वो रोज़ और पीच का जो कॉम्बिनेशन है वो मुझे समझ में आया। जो पीच की जो मिठास होती है और रोज़ की जो हल्की सी खुशबू होती है वो मुझे समझ में आई, और हल्के सा जैस्मिन का भी इसमें टच है मुझे ऐसा लगता है। वेनिला की मिठास भी है इसके अंदर, मुझे ऐसा लग रहा है। स्वीटनेस, काफ़ी स्वीट खुशबू है, अच्छी खुशबू है, मैं ऐसे नहीं कहता ख़राब खुशबू है, बहुत ही अच्छी खुशबू है। देखिए, मैंने इसको तो ट्राई किया नहीं, लेकिन जैसा मुझे नोट समझ में आ रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो है कम से कम 6 घंटे तक, इसकी जो लॉन्जिबिलिटी है 6 घंटे तक हो सकती है, क्योंकि ये गैस है और जो इसके नोट इस्तेमाल करे हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो खुशबू आ रही है वो स्टार्टिंग में ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये 6 घंटे तक लास्ट करना चाहिए। खुशबू भी बहुत अच्छी है। अगर आप एक फ़ीमेल हो और आपको एक अच्छा गैस का परफ्यूम चाहिए, गैस का डीओ चाहिए जो अच्छे लंबे टाइम तक रहे, लेकिन अगर आप इंडोर में काम करती हो, इवन आप आउटडोर में भी काम करती हो, तो ये आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। बेहतरीन खुशबू है, लोग आपको ज़रूर नोटिस करेंगे। आप चाहे ऑफिस में हो चाहे बाहर हो, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसको आप चाहो तो कैरी भी कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि इसको लगाने से पहले इसको अच्छे से शेक करिएगा, और पूरे बॉडी पे ऐसे ऐसे जो है हार्ड स्प्रे, ऐसा नहीं कि एक बार हल्के से स्प्रे किया, नहीं, दबा के ऊपर से लेकर नीचे तक, और ऊपर से लेकर नीचे तक, और चेस्ट के बीच में भी स्प्रे करिएगा, तभी जाके इसकी खुशबू जो है फैलेगी, अदरवाइज़ इस खुशबू नहीं फैलने वाली, ठीक है।
तो बस इसमें कुछ और ज़्यादा बताने के लिए था नहीं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें अगर आपको और भी कुछ डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है, या और भी कोई परफ्यूम के बारे में आप जानना चाहते हो, आपको रिव्यू चाहिए, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, मुझे ज़रूर आप बताइए। कोई डाउट है आपके मन में तो मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, और उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ एक लाइक कर दो, अगर अभी तक मेरे वीडियो पर टिके हुए हो, आपने अभी तक मेरा वीडियो देखा है तो लाइक कर दो, एक कमेंट भी कर दो, और शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही देना, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।